हरे कृष्णा, हरे बोल हरे बोल। जाओ जाओ तुम लोग दर्शन नगर का जाओ। ए मुरारी, कृष्णा मुरारी जी, जाओ दर्शन नगर का जाओ ना, जाओ। हम लोग यहीं बैठते हैं। हरि बोल हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरि अद्वैत गदाधर श्री वसति भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरि अद्वैत गदाधर श्री वसति गौर भक्त वृंद। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन, जय जसोदा जीवन ब्रज जन रंजन, जसोदा जीवन ब्रज जन रंजन, जमुन तीर बन चारी, जय जमुन तीर बन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
आनंदे हरि हरि बोल। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव सुभद्रा देवी की, बोले श्री सुदर्शन चक्र की, बोले श्री गुंडीचा देवी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, ट्रांसलेशन कर रहे हो ना? हरि बोल, हेडफोन ओके। हरि कृष्णा, ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ग्रोच ग्रोच बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हम लोग श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये जो मंदिर है इसका नाम श्री गुंडीचा मंदिर है। बोले ये गुंडीचा मंदिर नाम क्यों पड़ा? बोले श्री जी इंद्रदुम्न महाराज के जो रानी थी उसका नाम थी गुंडीचा। कहते जो जगन्नाथ जी जो स्थापित तो हुए हैं ये गुंडीचा देवी नहीं। जब कुछ साधु लोग भ्रमण करते करते आए, उन्होंने श्री नील माधव की कथा सुनाए जिसमें श्री इंद्रदुम्न महाराज और श्री गुंडीचा देवी ये दोनों ही कथा सुने। उन्होंने बड़े सुंदर नील माधव की कथा सुनाए। इतने में राजा रानी जब अपना राज महल में वापस आए, गुंडीचा देवी ने इंद्रदुम्न महाराज को बोले देखो वो साधु लोग बोल रहे थे बड़ा सुंदर एक स्थान है जहां पर जैसे वहां पर महानदी बह रही है, बड़े सुंदर गिरिराज गोवर्धन जैसे पर्वत है, सुंदर लता पता वृक्षों से भरा है और वहां पर श्री नील माधव जी वो बोल रहे थे जिनकी चरण से गंगा भी प्रकट हुई है और बड़ा सुंदर मंदिर है। कल वो संतों को पूछेंगे वो नील माधव कहाँ है, लेकिन वो साधु वो राता रात ही चले गए। जब चले गए जब उनको पता नहीं लगा पाए, इतने में गुंडीचा देवी इंद्रदुम्न महाराज को बोले आप पता लगाओ ये नील माधव कहाँ पर है। इसलिए रानी देखो एक होता है स्त्री हट, क्या होता है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सलकी मुठी थोड़ी, कहते ये स्त्री हट है। बोलो इन स्त्री हट व्हेन स्त्री टेलिंग आई वांट दिस थिंग, ये आई वांट दिस थिंग if not give for me this ornament and this good sari, I cannot cook for anything, you know, I want stree hut, you know, I want this thing. कहते जो स्त्री हट होता है, हाँ ये स्त्री हट होता है, इसलिए अगर स्त्री का हट प्रभु की भक्ति के लिए अगर स्त्री हट हो, हर भक्ति इफ द स्त्री हट आई वांट दिस इज द बेस्ट, इफ दिस मटेरियल थिंग स्त्री वांट आई वांट लाइक दिस थिंग दिस इज द नॉट गुड। अगर ये भक्ति के लिए स्त्री हट हो फिर तो भगवान को प्राप्त करा लेगा, है ना, देन यू टेक टू बैक टू गॉड हेड। इसलिए गुंडीचा देवी ने बताने पर है, गुंडीचा देवी जब बोली हम ये नील माधव कहाँ पर पता लगा, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसलिए इनकी
गुंडीचा मंदिर गुंडीचा देवी की इच्छा से ही राजा ने फिर उन्होंने पता लगाया ये नील माधव कहाँ है। और इसी चीज को लेकर के जगन्नाथ जी की मंदिर बना, जगन्नाथ जी की स्थापन हुई। अभी राजा सोच रहे हैं सारा दुनिया मेरा नाम लेंगे, बोले श्री इंद्रदुम्न महाराज की, क्योंकि उन्होंने श्री मंदिर बनाया, लेकिन मेरी रानी का कोई नाम नहीं लेगा। हाँ, रानी की कोई नाम नहीं लेगा, लेकिन ये रानी की वजह से ही ये ठाकुर जी प्रतिष्ठित हुए हैं जगन्नाथ जी। इसलिए जब तक ये दुनिया रहे तब तक मेरी रानी की भी नाम होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राजा ने ये जो मंदिर है इसका नाम रख दिया गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा देवी कौन है? राजा का रानी का नाम है। इसलिए ये जो गुंडीचा मंदिर है ये क्या है? कहते श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम। और जो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ये द्वारका है, कृष्ण द्वारका में महिषियों को साथ में तो रहते हैं, लेकिन उनका जो मन है ना, इनका मन चाहता है कब मैं वृंदावन जाऊं, सखाओं को साथ में मिलूं, ग्वाल बालों को साथ में मिलूं, मैया जसोदा से मिलूं, गोपियों से मिलूं, राधा जी को साथ में मिलूं। क्यों? इनका जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है, इनका प्रेम शुद्ध प्रेम है, हैं? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते प्रेम तीन तरह का है, एक साधारण प्रेम है, हैं? कहते एक सामंजस्य प्रेम है और एक श्री समर्था रति। कहते रति तीन तरह का है, रति तीन तरह का है, साधारणी सामंजस्य समर्था है। जो साधारण रति ये कुब्जा में, ये कुब्जा में जिसके अंदर में कामना वासना, और जो सामंजस्य रति कहती ये महिषियों में, महिषियों में, और जो समर्था रति ये ब्रजवासी गोपियों में। कृष्ण को कंट्रोल करने में जो समर्थ है, क्योंकि इनके अंदर में किसी चीज की कोई कामना वासना नहीं, संपूर्ण तन मन सब कुछ कृष्ण सेवा में देती है, कृष्ण सेवा में। इसलिए दुनिया में जो व्यक्ति हमें ज्यादा प्रेम करते हैं ना, हम चाहते हैं उनको साथ में ही मिले। इसलिए ब्रजवासियों का प्रेम शुद्ध प्रेम, इसलिए ये वृंदावन मानी जाती हैं। इसलिए जगन्नाथ जी साल में एक बार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक बार हम वृंदावन में जाए और ये ब्रजवासियों से मिले। इसलिए जगन्नाथ जी मिलने के लिए श्री मंदिर में 15 दिन तक बुखार की लीला करते हैं। कहते मैं बुखार में पड़ा हुआ हूँ, वो बुखार नहीं, कहते ये कृष्ण प्रेम की बुखार है। किस चीज की बुखार है? कहते ये कृष्ण प्रेम की बुखार है, प्रेम की बुखार। लक्ष्मी को मनाते हैं, समझाते हैं, मेरे को 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, मैं कहाँ जाऊं? श्री है वृंदावन थोड़ा घूम आऊं, वो बहाना बनाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी आने से पहले है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त लोग क्या करते हैं? आ करके ये मंदिर को साफ करते हैं, ये मंदिर को साफ करते हैं एक दिन पहले। किसी भाव से अभी वृंदावन नहीं, कहती ये राधा रानी की निकुंज मंदिर है, राधा रानी की ये निकुंज मंदिर है। महाप्रभु ने राधा भाव से अभी श्री श्याम सुंदर वृंदावन आएंगे, बड़े दिनों के बाद में वृंदावन आएंगे। इसलिए श्री राधा रानी, आर यू अंडरस्टैंड? इसलिए श्री राधा रानी क्या करती हैं? ये गुंडीचा मंदिर नहीं, ये श्री राधा रानी ये निकुंज महल को साफ सुथरा करती हैं, हैं? क्योंकि जब तक हमारी ये हृदय साफ नहीं हो,
तब तक हृदय में भगवान बैठ नहीं सकते हैं। ये हृदय में ठाकुर जी बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए महाप्रभु आकर के मंदिर का सारे धूल को साफ करते हैं। पहले ये धूल साफ करते हैं, बोले ये धूल क्या है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पहले धूल को साफ करते हैं। उसके बाद में कंकड़, उसमें जो कंकड़ रहता है वो कंकड़ को भी फेंकते हैं, बोले ये कंकड़ क्या है, बोले ज्ञान कर्म आदि है, ये ज्ञान कर्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जीव जो ब्रह्म बनना चाहता है ये जो भोग वासना कहते इसको भी निकालो, इसको भी निकालो। उसको बाद में फिर पानी ला करके उसको धोते हैं, पानी को ला करके महाप्रभु धोते हैं, बोले क्यों कारण किया, बोले काम क्रोध ज्ञान कर्म है अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्याभिलाष को छोड़ दिया, ज्ञान कर्म को छोड़ दिया, लेकिन तब भी वहां पर कुछ कैसे किया, बोले हृदय शांत होनी चाहिए, हृदय शांत होनी चाहिए, इसलिए पानी ला करके वाटर ला करके उसको साफ सुथरा करता है, लेकिन तब भी उसके अंदर में कुछ स्पॉट रह जाता है, कुछ दाग रह जाती है। महाप्रभु ने अपना कपड़े को ला करके, महाप्रभु टेक वन क्लॉथ, उसको घिस घिस करके महाप्रभु निकालते हैं, बोले ये क्या चीज है, हैं? कहते हृदय को अंदर में जो प्रतिष्ठा की वासना रह जाती है, संसार का जो भोग वृत्ति हृदय में रहती है, संसार का वासना प्रतिष्ठा की भावना, और कहते जीव ब्रह्म बनने का, जीव वांट बिकम ब्रह्म, महाप्रभु उसको घीस घीस करके उसको निकालते हैं। जैसे ही हृदय शुद्ध और निर्मल हृदय हो जाए, और एक दिन भगवान इसी हृदय में आकर के बैठे, लेकिन महाप्रभु जब ये मंदिर मार्जन करते हैं ना, हाथों में तो सेवा करते हैं, लेकिन मुंह में क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु शिक्षा देते हैं ये हृदय निर्मल कब कैसे होगा, बोले हरि नाम कीर्तन से, हरि नाम चेत दर्पण मार्जनम, चेत द्रुपी दर्पण साफ कब होगा, केवल हरि नाम कीर्तन से होगा, हरि नाम कीर्तन से ही हृदय हमारी साफ होगी। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा और मुंह में नाम, इन हाथों में काम और मुंह में नाम, महाप्रभु ही शिक्षा देते हैं, जो कुछ हाथों में करो ठाकुर जी का सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु बोले देखो, जो ये मंदिर को ठीक से साफ नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे, जो मंदिर को ठीक से साफ नहीं करेगा उसको मैं दंड दूंगा, बोले क्या दंड दूंगा, क्या दंड, बोले सब वैष्णव को भोजन कराना पड़ेगा, उत्सव भंडारा उत्सव फीस्ट देना पड़ेगा, हैं? तो कहते हैं फीस्ट क्या क्यों देंगे, कहते जो साफ नहीं करेगा उसको फीस्ट देना पड़ेगा, बोले मतलब क्या है, बोले मतलब है, बोले जब तक कि हम, इसलिए महाप्रभु दो शिक्षा दिए, महाप्रभु ही गेव टू टीच, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन, फर्स्ट टीच इज द ऑलवेज यू चैंटिंग दिस होली नेम हरे कृष्णा एंड सेकेंड टीचिंग इज द वैष्णव सेवन, वैष्णव का सेवा करो, हाँ वैष्णव का सेवा करो, क्योंकि जब तक हम वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारी सुकृति नहीं बनेगी,
जब तक सुकृति नहीं बनेगी तब तक हमारी भक्ति बढ़ नहीं सकती। इसलिए संस्कार की जरूरत है। संस्कार कैसे बनेगा? जब भक्तों का सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने ये दो चीज दिए हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी कहते, ये जो मंदिर है ये श्री वृंदावन है, ये श्री वृंदावन धाम है। इसलिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को खींचते हुए इसे मेन रोड में ले आते हैं। ला करके श्री जगन्नाथ जी इसी मंदिर में 9 दिन तक महाप्रभु रहते हैं। 9 days जगन्नाथ रिजाइडिंग दिस टेम्पल। और ये मंदिर श्री वृंदावन धाम है। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को कहते हैं, बोले देखो मैं 2 दिन में आ जाऊंगी, 2 दिन में आ जाऊंगी। लेकिन जब 5 दिन हो गया, देखा लक्ष्मी ने कृष्ण अभी तक नहीं आए, लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आया। हैं, बोले 2 दिन बोलकर 5 दिन ही हो गया, वो गए कहाँ? लक्ष्मी अपना दल बल को साथ में आती हैं और जगन्नाथ जी का जो पहिया है ना, पहिया को तोड़ देती है। बोले 2 दिन बोल करके 5 दिन ही हो गया, है 5 दिन ही हो गया। यू टेलिंग आफ्टर 2 days आई विल रिटर्न, इवन यू 5 days डिड नॉट रिटर्न, यू नो ही डूइंग सो मच, यू नो सल्की मूड, सो मच सल्की मूड लक्ष्मी एंड डिस्ट्रॉय दिस वन व्हील। कहते एक चक्का को तोड़ देती है और तोड़ करके अंदर में जाती है जगन्नाथ जी। लक्ष्मी अंदर में जाती हैं और बैठ जाती हैं सिंहासन में। कहते ये जितने गोपियां हैं उसमें 2 दल होता है, 2 पार्टी होता है। कहते ये जितने गोपियां मेरे पति को आने नहीं दे रहे, मेरे पति ने बताया था 2 दिन में वापस आएंगे, अभी 5 दिन ही हो गया। अरे अंडरस्टैंड, हेरा पंचम। कहते 2 दिन बोल करके अभी 5 दिन हो गया, अभी तक नहीं आए। इसलिए लक्ष्मी बैठ करके सिंहासन में लक्ष्मी बैठ जाती हैं। बल्कि ये सब गोपियों को बांध करके ले आओ, गोपियों को बांध करके ले आओ। और गोपियां आ करके लक्ष्मी के चरण में माफी मांगते हैं। बोले नहीं, हम आपका पति को हम जल्दी जल्दी छोड़ देंगे। लक्ष्मी पर प्रसन्न होकर के लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन जब जगन्नाथ जी आते हैं 15 दिन को बाद में, जगन्नाथ जी 15 दिन को बाद में जब अंदर में घुसते हैं, लक्ष्मी दरवाजा बंद कर देती, बोले इनको घुसने नहीं देंगे। हैं, पहले श्री बलदेव प्रभु पहले आए। जब बलदेव प्रभु पहले आए, बलदेव प्रभु लगते हैं जेठ, जेठ लगते हैं। इसलिए बोले जेठ को साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इनको दरवाजा खोल दो। फिर जब आती है सुभद्रा, बोले ये लगती है ननंद, बोले इनके लिए भी दरवाजा खोल दो, ये ननंद है। लेकिन जब जगन्नाथ जी आते हैं ना, बोले ये पति है, बोले इनके लिए दरवाजा बंद कर दो, इनको घुसने मत दिया करो। हैं, जगन्नाथ जी पति हजबैंड, इसलिए बोले इनको दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। लेकिन जगन्नाथ जी बड़े छलिया हैं, ना जगन्नाथ जी कृष्ण छलिया, बोले ट्रिक है ना, ट्रिक है। लेकिन जगन्नाथ जी को पता है, अगर किसी स्त्री को खुश करना चाहते हो आप 2 चीज से खुश कर सकते हो। जगन्नाथ जी जितने पुरुष लोगों को, पतियों को जगन्नाथ जी शिक्षा देते हैं, अगर अपना बीबी को खुश करना चाहते हो 2 चीज से खुश कर दोगे। हाँ, टू, यू नो इफ यू वांट टू प्लीज टू योर वाइफ ओनली 2 थिंग, यू नो ऑलवेज यू कैन लुक 2 थिंग, देन योर वाइफ बिकेम हैप्पी। जगन्नाथ जी हाँ, ही नो एवरीथिंग, यू नो। जगन्नाथ जी जो गोपियों को मनाते हैं, फिर लक्ष्मी को मनाना बड़ी भारी बात नहीं है, बड़ी भारी बात नहीं। सो जगन्नाथ बड़े सुंदर साड़ी है ना, लड़कियां स्त्रियां उनको अगर मन पसंद साड़ी मिल जाए वो बड़े खुश हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, इफ यू प्लीज टू योर वाइफ वेरी नाइस साड़ी, यू नो वेरी क्लॉथ, सो लेडीज दे आर लाइक सो मच साड़ी क्लॉथ।
And another thing is the nice ornament. Nice ornament, you know, nice ornament. Nice. And third thing is the rasgulla. Good rasgulla. Yeah. So Jagannath, he know, you know, if you want to please your wife, what can pay to them. So Jagannath ji, जब लक्ष्मी अंदर में जाने नहीं देती, लक्ष्मी प्रश्न करती हैं, आप बताया था 2 दिन बाद में वापस आ जाओगे,